हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी तो अक्सर लोग अपने घरों में बनाया करते हैं। एक बार आप ये मिक्स वेज दम बिरयानी घर में बनाकर देखिए, दिल खुश हो जाएगा। बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मिक्स वेज में आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलू, गाजर, गोभी, बीन्स, मटर और पनीर का यूज़ किया है। पनीर और आलू को क्यूब शेप में कट कर लेना है, गाजर को गोल गोल कट किया है और गोभी के फूल को एक एक फूल साफ़ कर लिया है और साथ में बीन्स को भी लंबे लंबे पीसेस में कट किए हैं। और अब इन सबको ट्रांसफ़र कर लेना है एक बाउल में और इसे हमें मैरिनेट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पनीर को भी साथ में डाला है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, तो आप इत्मीनान से पनीर को इसमें डाल सकते हैं। फिर इसमें 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल लेना है और कुछ पाउडर मसाले डालने हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और देगी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून डाली है। फिर इसमें 1/2 कप फ्रेश दही डाल लेना है। फिर एक मीडियम साइज़ की प्याज का बरिस्ता यानी प्याज को ब्राउन करके डालना है। फिर थोड़ा सा मिंट लीफ यानी पुदीने के पत्ते डाल लेने हैं। बारीक कटा हरा धनिया डालना है। 1 टेबल स्पून क्योरा वाटर, 3 से 4 ड्रॉप इसमें फूड एसेंस डाल लेना है और फिर 1/2 नींबू का जूस डाल लेना है। उसके बाद इसे हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें पनीर है, अगर इसे जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे तो पनीर को टूटने का डर है, तो इसलिए इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। और ये देखिए, ये हमारा मैरिनेशन तैयार है, तो इसे हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसे कुक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने वही ऑयल का यूज़ किया है जिसमें मैंने बरिस्ता बनाया था। इसमें 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग डाल करके ये मैरिनेट किए हुए वेजिटेबल्स को डाल लिया है। कढ़ाई में सब्जियों को डाल लेने के बाद अब इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए हमें भूनना है और आप देखेंगे धीरे धीरे इससे पानी रिलीज़ होने लगेगा, क्योंकि इसमें दही डला है तो उससे भी पानी रिलीज़ होगा और फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे तो उससे भी पानी रिलीज़ होगा और इसे से इन सब्जियों को कुक होना है। तो यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की टमाटर को बारीक चॉप करके डाला है, फिर इसे ढक करके 10 मिनट तक के लिए कुक करना है। और तकरीबन 10 मिनट होने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब्जियाँ कितनी अच्छे से कुक हो गई है। सब्जियाँ यहाँ पे 75-80% तक कुक हो चुका है, बाकी इसे हमें चावलों के साथ दम पे कुक करना है। तो इसमें डाल लेना है 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। एक बार मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आलू भी अच्छे से कुक हो गया है, साथ में गोभी भी अच्छे से कुक हो गया है। तो अब इसमें हमें हरी मिर्ची डाल लेनी है, उसके बाद इसे एक साइड रख लेना है। तो चलिए, अब बिरयानी बनाने के लिए हमें चावल कुक करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े से बर्तन में चावल के लिए पानी डाला है, उसमें तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जावित्री और स्टार डाली है, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल लेना है। पानी में बॉयल आ गया है तो यहाँ पे मैंने 1/2 केजी बासमती राइस का यूज़ किया है और इसे जिस तरह से आप बिरयानी का चावल कुक करते हैं उसी तरह से कुक करना है 75-80% तक। यहाँ पे ये चावल तकरीबन 80% तक कुक हो गया है, तो अब इसे हमें स्ट्रेन करके निकाल लेना है। चावल को स्ट्रेन कर लेना है और आधे चावल को हमें इसी बर्तन में रहने देना है, क्योंकि हमें इसी बर्तन में दम लगाना है। तो आधे चावल को मैंने इसी बर्तन में रहने दिया है, इसके ऊपर ये सब्जियों को डाल लेना है। चावल के ऊपर सब्जियों का लेयर अच्छे से चारों तरफ फैला करके बिछाना है। फिर इसके ऊपर हमें डाल लेना है बिरयानी मसाला, या आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च डाल लेनी है। फिर जो चावल बचा हुआ था ये ऊपर से डाल लेना है। सब्जियों के ऊपर चावल को अच्छे से फैला लेना है। अब इसमें हमें थोड़ा पानी डालना है ताकि दम करने में चावल नीचे से चिपके नहीं। तो ये मैंने चावल से जो स्ट्रेन किया था वही पानी बचा लिया था, वो डाला है 1 कप। फूड कलर डाल लेना है, देसी घी डालना है जिससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी। क्योरा वाटर डालना है, फूड एसेंस डाल लेना है। सारी चीज़ों को असेंबल करने के बाद अब इसके बीच में हमें होल करना है, वो इसलिए क्योंकि हमें इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देनी है और स्मोक अंदर तक जाना चाहिए। तो फॉयल पेपर की एक कटोरी बनानी है, इसमें जलता हुआ कोयला डाल करके इसके ऊपर देसी घी डालना है और फिर फट से इसे ढक लेना है।
और फिर ढक्कन लगा करके इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देनी है और अब गैस की फ्लेम लो करके इसे हमें 10 मिनट तक के लिए दम पे छोड़ देना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसे खोला है और आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट बिरयानी बनी है। इसका चावल देखिए कितना खिला खिला बना है और ये परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल दम बिरयानी बनकर रेडी हो गया है। तो इसे एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका जो स्मोकी फ्लेवर है आपको दीवाना बना देगा। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।